इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी डिस्प्राम फाइव टैबलेट डिप्रेशन और अन्य मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों जैसे एंग्जाइटी पैनिक डिसऑर्डर और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के इलाज के लिए व्यापक रूप से निर्धारित है यह एक प्रकार का एंटी डिप्रेसेंट है जिसे सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीप अटैक यानी कि एसएसआरआई के रूप में जाना जाता है डेस्प्रैम्प पांच टैबलेट मूड में सुधार करके और एंग्जाइटी और तनाव से राहत पाकर डिप्रेशन से उबरने में मदद करता है इसे भोजन के साथ अथवा बिना लिया जा सकता है खुराक और आपको कितनी बार इसकी आवश्यकता होगी यह आपके लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक मात्रा के आधार पर आपके डॉक्टर द्वारा तय किया जाएगा आपका डॉक्टर आपको कम खुराक पर शुरू कर सकता है और इसे धीरे धीरे बढ़ा सकता है अपने डॉक्टर से बात किए बिना खुराक में बदलाव न करें या इसे लेना बंद न करें भले ही आप ठीक महसूस करें ऐसा करने से आपकी स्थिति और खराब हो सकती है या आप वापसी के अप्रिय लक्षणों यानी कि चिंता बेचैनी धड़कन चक्कर आना नींद में गड़बड़ी आदि से पीड़ित हो सकते हैं अधिक से अधिक लाभ पाने के लिए इस दवा को नियमित रूप से प्रतिदिन एक ही समय पर लें अगर आपको सोने में परेशानी होती है तो आपका डॉक्टर आपको सुबह इसे लेने की सलाह दे सकता है आपको बेहतर महसूस करने में कुछ सप्ताह लग सकते हैं यदि आपको चार सप्ताह के बाद भी कोई सुधार नहीं दिखाई देता है तो अपने डॉक्टर को बताएं इस दवा के कुछ सामान्य साइड इफ़ेक्ट्स में मतली थकान पसीना बढ़ जाना अनिद्रा यानी कि नींद में कठिनाई यौन इच्छा में कमी स्खलन में देरी और महिलाओं को कामोन्माद प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव हो सकता है कुछ लोगों को इस दवा को लेने के बाद नींद आने का अनुभव हो सकता है अपने चिकित्सक को तुरंत बताएं यदि आपका मूड अचानक ख़राब हो जाता है या खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में कोई विचार आता है यदि आपको मिर्गी यानी कि सीस्यू डिसऑर्डर या दौरे मधुमेह लीवर या किडनी की बीमारी दिल की कोई समस्या है या इस समय एमएओ इनहिबिटर के रूप में जानी जाने वाली डिप्रेशन की दवाएं ले रहे हैं तो डिस्प्रेम पाँच टैबलेट लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए ये आपके इलाज को प्रभावित कर सकते हैं कृपया अपने चिकित्सक को उन सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप सुरक्षित हैं यह सुनिश्चित करने के लिए आप ले रहे हैं वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफ़िकेशन को क्लिक करें धन्यवाद